जय श्री राम, जय श्री बालाजी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसमें वर्णन है कि जब मन राम का हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, उधर पहुंचकर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी पल माया हमें पकड़कर वापस अपनी दुनिया में ले आती है। धन का लोभ, रिश्तों का मोह, इंद्रियों का बल इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ते। रामायण में ये भी दर्शाया गया है कि हनुमान जी हमेशा राम जी की कुटिया के बाहर द्वार पर रहते थे। राक्षस किसी भी रूप में आ जाते थे, उनको पकड़ लेते थे और कुछ डर के ही भाग जाते थे और कुछ मारे भी जाते थे। अब ये राक्षस कौन है हम अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। किस तरह से सुरसा राक्षी को हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से हराया था, और इसमें कैसे हमें पता चला कि राम के द्वारे पर तुम ही रखवारे हो। राम का द्वार हमारे आत्मा का द्वार, हमारी साधना और तपस्या का द्वार, उधर भक्ति और ज्ञान और हमारा दृढ़ निश्चय, यही हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान वज्र अंगी हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हैं। वज्रंगी हम जान चुके हैं कि पहाड़ जैसा अंग है जिसका, तो वही हमारी रक्षा करते हैं, माया से बचा कर रखते हैं, प्रभु के कार्यों में लगा कर रखते हैं, ताकि हमारा प्रेम प्रभु से बना रहे। प्रभु अपनी सृष्टि के हर जीव की रक्षा करते हैं। किसी न किसी दूसरे जीव के रूप में आकर वो अपना सब काम करते हैं। धन का लोभ सब प्रकार के लोभ से बड़ा है, तो प्रभु इस लोभ को भी अपने चरणों में ले लेते हैं। प्रभु के दरबार में पैसे का मोह त्याग कर ही एंट्री मिलती है। होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। इसके अंदर धन का उचित और उत्तम प्रयोग करने की प्रेरणा दी गई। धन के लोभ में किसी को कष्ट ना देना, किसी का कष्ट धन से मिटा सको तो जरूर मिटाना। रामायण में भी यही दर्शाया गया है कि हनुमान जी हमेशा राम जी की कुटिया के बाहर द्वारपाल रहते थे। राक्षस किसी भी रूप में आ जाएं तो उनको पकड़ लेते थे। पसारे का मतलब यहाँ हमारे पसारे से भी है कि हम किस हद तक यत्न करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने की, कितनी बड़ी हमारी डिवोशन है, किस हद तक हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। जिस तरह दुनिया में हम जी रहे हैं, जिन विचारों में हम जी रहे हैं, कितना यत्न करते हैं, कितनी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं हम प्रभु की राह पर चलने के लिए। अपना पसारा कितना बड़ा करते हैं हम, अपने लिमिट्स को कितना आगे तक पार करते हैं कि हम कुछ भी करके प्रभु की राह को चुनेंगे ही, पाएंगे ही। सब कुछ हमारी सोच से है, हमारे मन से है, हमारे ज्ञान और बुद्धि से है। तो ये सब कुछ भगवान की आज्ञा से ही होता है। भगवान ही हमें इन सब के लिए चुनता है। हमारे अच्छे कर्मों को देखते हुए, हमारी अच्छी सोच को देखते हुए भगवान खुद हमें चुनते हैं अपने कामों के लिए। तो उसी भगवान के लिए हम शुक्रगुजार हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।